एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका यह पांचवा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हमने दो अभिक्रिया को पढ़ लिया था, संयोजन अभिक्रिया और दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या उसे ही हम विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये दो जो अभिक्रिया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इनको समझ लेते हैं। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया। सबसे पहले हम अनुत्क्रमणीय को पढ़ लेते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्योंकि जब ये आप समझ जाएंगे तो वो भी आप समझ जाएंगे, पहले इसी को समझते हैं। तो आता है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल होता है। कहा यह जाता है कि ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा अग्रिम दिशा में चलती हो, मतलब आगे की दिशा में चलती हो, तो उस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो आपने क्या समझा? ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा अग्रिम दिशा में चलती हो, आगे की दिशा में चलती हो, और एक और बात है कि कभी भी पूर्ण नहीं होती है, वो हमेशा अभिक्रिया चलती ही रहेगी। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यही हम परिभाषा पहले लिख देते हैं, एग्जाम्पल से समझाएंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो हमने क्या बताया? ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा अग्रिम दिशा में चलती हो, तथा कभी भी पूर्ण नहीं होती है, पूर्ण पूर्ण नहीं होती है, या हम कह सकते हैं सिंपल में कि समाप्त नहीं होती, वो हमेशा चलती ही रहती है। तो पूर्ण नहीं होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है जी? तो आपने समझ लिया कि ऐसी अभिक्रिया जो हमेशा क्या होता है? अग्रिम दिशा में चलता है और कभी भी पूर्ण नहीं होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि 2KClO3, यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले दो मात्रा में KClO3 को, और इसका जब हम इसको गर्म करते हैं, जब इसे हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है KCl, और ये भी दो मात्रा में, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी हमें मिलता है। ठीक है? और ये ऑक्सीजन हमेशा मिलता ही रहता है, और ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। समझ गए? तो हमने क्या बताया, यहाँ पर ये अभिक्रिया संतुलित होने के लिए यहाँ पे हम 3 का गुणा करा देंगे। ठीक है? आप देख सकते हैं KCl दो मात्रा में, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक अभिक्रिया लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने 2KClO3 को लिया है, और जब इसको हम गर्म करते हैं तो 2KCl और फिर से 6 मात्रा में ऑक्सीजन बनता है, और ये ऑक्सीजन वाष्प में परिवर्तित होकर उड़ जाता है, वाष्प में बदल जाता है। परंतु ये जो अभिक्रिया है ना, ये हमेशा होता रहता है, ये अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगा, ये ऐसे ही अभिक्रिया चलता रहेगा, ऑक्सीजन वाष्प में परिवर्तित होता रहेगा। समझ गए? तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है? और उसके बाद हम आते हैं दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो मात्रा में हम सोडियम और दो मात्रा में हम
H2O को लेते हैं, जब हम दो मात्रा में सोडियम और दो मात्रा में हम H2O को लेते हैं, अब इसको हम जब क्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है NaOH, ठीक है, NaOH मिलता है। वो कैसे, तो यहाँ से सोडियम गया और यहाँ से हाइड्रो एक ऑक्सीजन, ध्यान से समझेंगे, यहाँ से सोडियम और यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो ये सोडियम सोडियम क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, यहाँ पे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और वहाँ पे फिर से आपका क्या बच गया, दो मात्रा में चार मात्रा में हाइड्रोजन बच गया, और ये भी वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया किसका, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो इन दोनों एग्जाम्पलों को याद रखेंगे आप कि जब सोडियम और जो क्या होता है H2O मतलब जल से क्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे कि परिभाषा तो याद होना चाहिए बट एग्जाम्पल भी आपको याद होना चाहिए, एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए खासकर एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। आते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, सॉरी उत्क्रमणीय अभिक्रिया पे। अभिक्रिया, अब आते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया का भी बहुत ही सिंपल सा परिभाषा यही होता है कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं, ये केवल आगे की दिशाओं में ही चलेगा, परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है, दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब आगे भी चलेगी और पीछे भी चलेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ये कंडीशन होता है कि ये भी अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होता है, ठीक है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी पूर्ण ही नहीं होगा तो समाप्त हो पाएगा, ठीक है, ये कभी भी अभिक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तो यही हम पहले परिभाषा ही लिख देते हैं, लिखेंगे, चलिए इससे लिखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में सदैव सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं तथा कभी पूर्ण नहीं होती हैं, तथा नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, ऐसी अभिक्रिया जो सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलेगी, आगे भी चलेगी पीछे भी चलेगी, तो ऐसी अभिक्रिया और कभी भी पूर्ण नहीं होती है, मतलब कभी भी संपन्न नहीं होता है, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया ही क्या कहलाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम जब क्या कराते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए अग्रिम उत्क्रमणीय अभिक्रिया को पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है कि देखेंगे तो इस प्रकार दो चिन्ह दिया होगा, एक आगे की दिशा में एक पीछे की दिशा में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि ये इससे ये भी बनेगा, अभी हम बनाएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को गर्म करते हैं तो PCl3 और फिर से Cl2 बनता है, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बनता है और क्लोरीन भी बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बना सकते हैं, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर से ये बन जाएगा, ठीक है। तो यही हमने कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चलती है, इससे ये फिर से इससे ये, ठीक है, और कभी भी ये अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगा, संपन्न नहीं होगा, तो ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पर, दूसरा है कि दो मात्रा में आपने
हाइड्रोजन को मतलब H2O को ले लिया H2, और दो मात्रा में I को ले लिया आयोडीन को। तो जब ये दोनों क्रिया कराते हैं तो 2H I का निर्माण होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ये भी इस प्रकार ही होगा, मतलब इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप समझ के होंगे, सिंपल वे में तुलना करके आप समझेंगे ना तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये केवल आगे की दिशा में चलेगा और ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगा ये दोनों की दिशाओं में चलेगा, आगे भी पीछे भी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही कहूँगा समझ में आ गया है तो कमेंट करके एक बार हमें बता दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 12th का पढ़ाई करने के लिए तो आप सीरियस होकर प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की अच्छे से पढ़ाई कीजिए। या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का, तो उस पर भी आप क्लिक करेंगे चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिलेंगे, वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है उस टॉपिक का नाम अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और रोज़ आपको जानते हैं सुबह में शाम को और सुबह में 7-7 बजे आपको वीडियो मिल रहा है, तो वहाँ पर उस टाइम पर फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।